अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्यारे कोरियन ईयरिंग्स जो कि मैंने मीशो से परचेज़ किए हैं। तो पहला वाला जल्दी से हम देख लेते हैं, बहुत ही क्यूट से सारे ईयरिंग्स हैं और ये वाला बहुत प्यारा लगता है। तो ये है बहुत ही प्यारे नियॉन एंड ऑफ वाइट कलर में, एंड इसमें ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। बहुत ही लाइट वेटेड सा है, 141 रुपीज़ में आपको ये पेयर मिल जाएगा। आप मीशो पर चेकआउट कर लेना और सारे ही ईयरिंग्स के जो लिंक्स हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। इस तरह के ईयरिंग्स जो होते हैं वो किसी भी आप ड्रेसअप के साथ पेयर अप करो बहुत प्यारे लगते हैं। ये सेकेंड वाला जो है ये आपको एक कॉम्बो सेट मिलेगा। ये कॉम्बो सेट मैंने 149 में परचेज किया है। आपको इसमें एक ये हाफ कट बटरफ्लाई वाला एंड ये फुल स्टड मिल जाता है जो कि आपके कान पे बहुत प्यारा लगता है। ये वाला जो ईयरिंग्स है पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगती है। ऐसी चीज़ें आप किसी भी पार्टी में भी इसे वेयर कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड होते हैं, किसी के साथ भी बहुत ईजीली पेयर अप हो जाते हैं। और आपको इसमें स्टोन की डिटेलिंग मिलती है विथ एक पर्ल मिल जाता है वाइट कलर का, बहुत नाजुक है, बहुत खूबसूरत है। एंड ये इसके साथ जो हमें कॉम्बो वाला मिला है ये भी बहुत प्यारा है। इसमें आपको एक बटरफ्लाई मिल जाती है एंड साथ ही साथ दो छोटे छोटे पर्ल्स मिल जाते हैं। एंड पूरे जो आप कान में जब इसे पहनोगे ना, ये बहुत खूबसूरत लगता है कान में पहनने के बाद। एक्चुअली वो वीडियो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती, बट वो वीडियो मेरी एडिट जो मैंने की थी वो मिस हो गई, तो वो क्लिप मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई। बट ये वाला ईयरिंग्स पहनने के बाद बहुत स्टाइलिश एंड बहुत ही एलिगेंट लगता है जब आप अपने कान में पहनोगे। तो उसके बाद नेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला हमारा जो है वो हम देख लेते हैं कौन सा वाला पेयर है इसमें हमारा। तो यहाँ पर ये जो मैंने ऑर्डर किया था ये फियरी वाला है। इसमें ये फियरी बनी हुई है एक छोटी सी बहुत क्यूट सी वाइट कलर की, उसके इन्होंने बहुत प्यारे से डिटेलिंग की है एंड आप देख सकते हो स्टोन्स का वर्क है इसमें एंड वाइट कलर क्रीम कलर का इसमें बहुत ही प्यारा सा एक स्टोन है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है उसके, जिससे इन्होंने विंग्स बना के उसकी डिटेलिंग की है, बहुत परफेक्ट है। 139 रुपीज़ में ये पेयर मुझे मिला। एंड यहाँ पर हम ये वाला जो है ये भी बहुत खूबसूरत है, ये भी आपके पूरे कान में बहुत प्यारा लगेगा। एंड ये इसमें छोटी सी बटरफ्लाई है जिसमें काफ़ी इन्होंने स्टोन्स लगाए हुए हैं, साथ ही साथ इसमें पर्ल्स उन्होंने दिए हुए हैं, बहुत खूबसूरत लगता है पहनने के बाद। एंड सारे ही ईयरिंग्स के जो लिंक्स हैं आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। एंड सारे ही बहुत अफोर्डेबल हैं, 150 की रेंज में सारे हैं। एंड पहनने के बाद इस तरीके के ईयरिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, लाइट वेटेड हैं, आप इजीली डेली यूज़ में इन्हें पहन सकते हो। उसके बाद ये बहुत ही प्यारा है, इसमें बो बना हुआ है एंड इसमें वाइट कलर का ये बहुत ऑफ वाइट कलर का इन्होंने स्टोन्स जो दिया है उससे बहुत खूबसूरत लग रहा है। साथ ही साथ इसमें सिल्वर स्टोन्स की डिटेलिंग है एंड ये भी 133 या 140 में आपको ईजीली मिल जाएगा। पहनने के बाद देख सकते हो बहुत प्यारा लग रहा था। एंड उसके बाद में जो आपको ये वाला ईयरिंग्स दिखा रही हूँ वो बहुत खूबसूरत है गाइज, इसमें बहुत प्यारा सा इन्होंने लॉन्ग है ईयरिंग्स है इस तरीके के। अगर आपको लॉन्ग ईयरिंग्स बहुत पसंद है तो ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसमें पर्ल को टेसल्स की तरह इन्होंने इसे हैंग किया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। साथ ही साथ इन्होंने जो इसमें छोटा सा एक पर्ल ऊपर दिया है एंड उसके बाद नीचे बहुत प्यारा सा ये पर्ल दिया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हो 140 में ये पेयर आपको ईजीली मीशो से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। और उसके बाद ये जो लास्ट वाला है ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये आपको हार्ट शेप में मिल जाता है जस्ट ड्रॉप के तौर पे एंड बहुत खूबसूरत ये ईयरिंग्स है। ये आपको 129 या 115 में आपको मिल जाता है, पहनने के बाद बहुत प्यारा लगता है आपके कान में। आप ऑफिस अगर जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, इस टाइप का आप ईयरिंग्स पहन सकते हो, बहुत परफेक्ट लगता है। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस तरीके के वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।